हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C30S फ़ोन में आप लोग इन बैक बटन्स को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C30S फ़ोन है, उसमें जो है आप लोगों को कुछ इस तरीके का बैक बटन है मेरे जैसा, और आप लोगों को जो इसको चेंज करवाना है, आप लोगों को गेस्चर्स वाला बटन इस पर लगाना है, या अगर आप लोगों का पहले से ही गेस्चर्स वाला बटन है आप लोगों को मेरे जैसा लगाना है, तो कैसे आप लोग इन बैक बटन्स को चेंज कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा गेस्चर्स का, तो इस गेस्चर्स के बटन पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर एक सिस्टम नेविगेशन का बटन है, इस पर क्लिक करते ही आप लोगों को बटन्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों का जो है नेविगेशन का जो सेटिंग्स है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, आप लोगों का सेटिंग है वो यहाँ पर नहीं है, तो मैं आप लोगों को और एक ईजी स्टेप्स बता देता हूँ कि कैसे आप लोग नेविगेशन सेटिंग्स को ला सकते हो। तो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन होगा सेटिंग्स में, तो इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए गाइस नेविगेशन। ठीक है गाइस, तो स्पेलिंग आप लोग मेरे फ़ोन से देख सकते हो, मैंने लिख दिया है पूरा नेविगेशन। लिखते ही यहाँ पर एक सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो ब्लिंक हो रहा है ऊपर वाला ऑप्शन वही है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं मेरे फ़ोन में पहले से ही 3 बटन नेविगेशन सेट है। अगर आप लोगों को इसको चेंज करवाना है तो गेस्चर बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो ये बटन है वो चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं अभी जो इन बटन्स का यूसेज है कुछ अलग तरीके का है। ठीक है, इसको अलग तरीके से यूज़ करना पड़ता है। अगर आप लोगों को फ़ोन में पहले से ही ये वाला है, आप लोगों को 3 बटन नेविगेशन लगाना है, तो आप लोगों को जैसे भी पसंद आए आप लोग वे नेविगेशन बटन लगा सकते हो यहाँ पर से। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी C30S फ़ोन में बैक बटन्स को चेंज कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।